हमारे सामने बहुत प्रबुद्ध नागरिक बेगूसराय के काफ़ी लोग यहाँ पे पिंक सिटी में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये त्रिशंकु जो लड़ाई देखी जा रही थी, कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि कन्हैया कुमार तो लड़ाई में है ही नहीं। हर लोग यही बता रहे थे कि तनवीर हसन और गिरिराज सिंह के बीच में टक्कर है तो कन्हैया कुमार हवा हवाई हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और भी थी। लेकिन अब जो होना है कि वोट हो गया, अब जीत किनकी होनी चाहिए या किनको मिलेगी बेगूसराय का सीट, हम इस विषय पे बुजुर्ग लोग हैं, मेरी बात हो रही है, वो अपनी राय बताएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी सर बताएं। बोलिए। मैं तो अनुमान नहीं बल्कि आश्वस्त हूँ, देशभक्ति आगे है और वो आगे ही रहेगा, बहुत मार्जिन वोट से आगे रहेगा। तो देशभक्ति की तो सभी लोग बात कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, देशभक्ति मतलब जो रियल देश, आपने वोट राष्ट्रवाद के नाम पे दिया, इसका मतलब सर राष्ट्रवाद। थैंक यू सर। आपका मतलब क्या नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कन्हैया कुमार जिसने के आने के बाद हॉट सीट जैसा मामला सामने आया, आपको लगता है कि वो कहीं है? ये हमारा पर्सनल मेरा असेसमेंट है कि परहैप्स कन्हैया कहीं फाइट में नहीं है। फाइट में जब भी है तो तनवीर और गिरिराज जी, और आई थिंक एक्स इज टुवर्ड्स गिरिराज। आपको लगता है कि सेकेंड पोजिशन के लिए भी लड़ाई बड़ी जबरदस्त हो रही है? मे पॉसिबल कि लड़ाई एक के आसपास हो, माने जीत का मार्जिन जो है विद इन 1 लाख हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगले बार भी भोला बाबू अकेले बेगूसराय और बछवाड़ा में कुछ सीट से जीते थे, अदरवाइज जितनी कंस्टिट्यूएंसी थी, चाहे वो बकरी हो चाहे वो अदर कंस्टिट्यूएंसी हो, दो कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ करके भोला बाबू सब जगह लूज किए थे, और बेगूसराय में बहुत ह्यूज मार्जिन से जीते थे, आई थिंक कि 50-55 हज़ार से जीते जी। वही उनके जीत का मार्जिन हुआ था जी। शायद इस बार की भी कहानी उसी तरह से रिपीट होने वाली है। पिछली बार पिछला जो 2014 का जो इलेक्शन था सर, उसमें नीतीश कुमार साथ में नहीं थे, यानी कुर्मी कुशवाहा का जो वोट था वो लगभग 1.5 लाख से ऊपर का वोट है, वो आपके साथ नहीं था। हाँ, तब आप 58 हज़ार वोट से संसदीय क्षेत्र में जीत दर्ज की। बिल्कुल, इस बार वो आपके साथ हैं। उस बार मोदी लहर थी जी, उस बार मोदी अकेले भारी थे। इस बार जो आपको ये बना, क्या जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अरे वो सब पार्टी मिलके गठबंधन को आप लोग कौन क्या महागठबंधन, नहीं कुछ उसका नाम मोदी जी रखे हुए महामिलावट। तो इस गठबंधन का हो सकता है कुछ असर, जैसे कांग्रेस वोट वगैरह वगैरह जो कुछ वोट्स है वो सब कंबाइन हुआ है, और नीतीश जी का वोट तो निश्चित रूप से है, नीतीश जी का वोट तो एक छत्र है। आप बताएं कि लोकतंत्र में बेगूसराय में लगभग 62% वोट हुआ, ये लोकतंत्र को बहुत मजबूत करेगा, लेकिन लोकतंत्र का जो परिभाषा दिख रहा है चुनाव प्रचार के दरमियान जो चीज़ें सामने आई, वो कितना पॉजिटिव होगा लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र के लिए मोदी का जीतना बहुत ही आवश्यक है, और लोगों का व्यू अभी राष्ट्रवाद के साथ विकास भी है, और ये दोनों चीज़ मोदी में नज़र आ रहा है। और जहाँ तक पोलिंग हुआ है, हम लोग 194 बूथ पे पोलिंग की, हम समझते हैं 80-90% पोल मोदी के पक्ष में हुआ है, और इस क्षेत्र में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से पोलिंग हुआ और जगह का भी जो सूचना मिल रही है, क्योंकि मेरा घर बखरी पड़ता है जी, उस क्षेत्र में CPI का और राजद का पकड़ रहा है सब दिन से जी, लेकिन वहाँ भी BJP का अच्छा पोलिंग, फिर भी सर 31% हमारे हिसाब से BJP को आ रहा है वहाँ। हाँ, वह कह फिर भी वहाँ वोटिंग अच्छा हुआ है, जो वहाँ से सूचना मिली है हम लोगों को जी, चूँकि घर है जानकारी मिल रही है। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप लोग आपने या चाहे कहीं भी वोट डालने के बाद खुद में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? बहुत सेटिस्फेक्शन है,
और देश को जरूरत है पूरा एक मजबूत प्रधानमंत्री का, और मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं। अगर कोई विकल्प होता तो सोचते कि कंपैरिजन है, इसीलिए देश के लिए उसका जीतना जरूरी है। और लोग जिस तरीके से वोटिंग किए हैं कि यहाँ मामूली मार्जिन से नहीं बल्कि एक लंबा मार्जिन से गिरिराज जी। सर एक इससे थोड़ा सा हट करके एक बहुत बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि देश को आज़ाद हुए 70 साल लगभग, उसे ज़्यादा ही टाइम बीत रहा होगा, लेकिन आज तक चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है, आज भी शिक्षकों पे आधारित हैं। ये आपको एक विडंबना जैसा नहीं दिख रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक कंट्री में? अगर ये चीज आप मोदी जी से खोज रहे हैं तो इतने 70 साल के बीच में नहीं सर, हम मोदी जी से नहीं खोज रहे, हम इस सिस्टम पे बात कर रहे हैं। संस्था को मजबूत क्यों नहीं किया गया जी, ये सवाल। टीएन सेशन आए जी तब लोग जानने लगे, समझ में आया कि चुनाव आयोग भी कोई चीज होती है, नहीं तो बूझता था सरकार जो है वही सब कुछ। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है और ये चाहिए, ये सवाल चाहिए उठना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ये होना चाहिए, समझे। आज हो रहा है कि आखिर जो तंत्र है उसी से चुनाव आयोग अपना काम चला रहा है, फिर भी बंगाल में क्या हुआ? नहीं, ये तो तब की बात थी, शिक्षकों की बात तो तब की थी जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गिनने के लिए उनको आता था। अभी भी देखिए कि वो तंत्र आखिर बंगाल में सिक्योरिटी का इंतजाम है, सीआरपी को नहीं लगाया कि नहीं लगाया, साधारण फोर्स को लगाया, लोगों को वोट देने नहीं दिया, क्यों? यदि चुनाव आयोग का अपना तंत्र होता तो अपने ढंग से प्रयोग करता, वो करता है, लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है वो अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करता है, इसीलिए। एक चीज और सामने आई है, छोटी बलिया बड़ी बलिया इस सब क्षेत्र में सुनने को मिला कि काफ़ी मात्रा में लोगों ने वोकस वोट डाला है, वो भी बुरके की आड़ में, ये चीज़ सामने आया है। ये ईवीएम तो आ गया सर, काउंटिंग तो बेहतर हो जाती है, गिनती तुरंत हमें पता चलता है कि रिजल्ट हो रहा है, लेकिन ये वोकस कैसे रुकेगा? देखिए ये बुरके वाली बात जो है तो ये मतलब कालांतर से होता चला आ रहा है, इस तरह का वोकस जो है, और जब तक इस पे कोई नियम नहीं बनता है कि जो भी जाए चेहरे से अपना बुरका हटा के चेहरा का मिलान करें, ये समस्या बनी रहेगी। ये बोकस का सूचना हम लोगों के पास भी है कि ऐसा हुआ है, लेकिन कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बुरके को बैंड करना चाहिए। बैंड हो या नहीं हो ये एक अलग चीज है, लेकिन बुरका हटा के मिलान होना चाहिए एक एक। श्रीलंका में भी बैंड हो रहा था, वहाँ तो हो गया, वहाँ तो कर दिया, चाइना भी कर दिया, आज समना में भी आया है कि डिमांड हुआ है जी। लेकिन भारत की स्थिति है, वहाँ पे एक उग्रवादी आंदोलन हुआ श्रीलंका में, हर चीज बैन कर दिया गया, और हमारे यहाँ जब उग्रवादी आंदोलन होता है हम ही में से कुछ उग्रवाद के पक्ष में चले जाते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो प्रायोजित है, पाकिस्तान ने नहीं किया, उग्रवादी ने नहीं किया, ये तो हमारे यहाँ की बात है। सर, हमारे यहाँ मीडिया भी। लास्टली सर आपको क्या लगता है बेगूसराय में एक लंबी मार्जिन से गिरिराज सिंह जी? लंबी मार्जिन कैसे हो सकती है सर? वोट का परसेंटेज जितना वोट है जी उसमें कन्हैया जी कहीं नहीं, वो जो होगा तनवीर और इनके बीच में, तो कुछ वर्ग का वोट छांट दीजिए तो उनका भी वोट उतना मार्जिन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व उनका अच्छा है, उस पर उनको जो वोट मिल जाए, लेकिन फिर भी गिरिराज सिंह का अपना भी व्यक्तित्व और मोदी का व्यक्तित्व तो आज पूरे देश में इतना छाया हुआ है, तो वोट आज सिर्फ मोदी के नाम पे मिल रहा है, ना बीजेपी के नाम पर ना व्यक्ति के नाम पर, क्योंकि लोगों के मन में है कि हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा तो कोई विकास होगा, जब हमारा देश ही नहीं बचेगा, हमारे देश में उग्रवादी तत्व हर जगह कुछ न कुछ करते रहेंगे, फिर हमारा विकास का एजेंडा तो पीछे चला जाए। आप विकास के समर्थक हैं कि भाजपा के? हम विकास और मोदी के समर्थक हैं। धन्यवाद।